खान पान स्टालों व देनों के पेंटी कोचों की देखी गई सफाई व्यवस्था। चेतना राष्ट्र प्रेरी वाराणसी मंडल ब्यूरो चीफ पंकज हुड झा, वाराणसी संपूर्ण भारतीय रेलवे के साथ त्रिसात मंडल रेल प्रबंधक विनीत कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन एवं वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर अभिषेक राय के नेतृत्व में वाराणसी मंडल पर 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी मंडल पर पखवाड़े के अंतर्गत आज 9 अक्टूबर 2024 का दिन स्वच्छ आहार दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके अंतर्गत स्टेशनों के खानपान इकाइयों पर पेंट्री कारों में तथा गाड़ियों में उपलब्ध खानपान सुविधाओं के स्वच्छता की गहन जांच की गई। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी विनीत कुमार श्रीवास्तव द्वारा नामित अधिकारियों ने मंडल पर मोबाइल वेंडरों एवं वाराणसी मंडल पर चलने वाली गाड़ियों यथा शिवगंगा एक्सप्रेस, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तथा पटना सिकंदराबाद एक्सप्रेस आदि के पेंट्री कार का उच्च गुणवत्ता युक्त सफाई सुनिश्चित की गई। मंडल के स्टेशनों पर उपलब्ध खान पान स्टाल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मंडल के बनारस, वाराणसी सिटी, बलिया, गाजीपुर सिटी, उद्धरण चिन्ह, फास्ट फूड यूनिट, रेट लिस्ट, OFTST फूड UNIT ATBARARAS रेलवे स्टेशन, पूर्वी रेलवे, तापवान, आजमगढ़, मऊ, भटनी, सीवान एवं छपरा स्टेशनों पर जन आहार, कैंटीन, खान पान स्टॉल, फूड प्लाजा, लोकल वेंडरों के पास उपलब्ध खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की गई, हाइजीन चेक किया गया और साफ सफाई के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उक्त स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर स्थित फूड स्टॉल के वेंडरों का प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, साथ ही साथ वेंडरों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को जांचा गया एवं रेलवे परिसर में स्थित फूड स्टॉल, रनिंग रूम एवं रेस्ट हाउस के बर्तनों की सफाई का स्थान, कचरा निपटान की सुविधा, चिकित्सा फिटनेस और रसोइयों और कर्मचारियों की स्वच्छता की आदतें को जांचा गया। इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने एवं सूखे और गीले कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। इस अवसर पर उप स्टेशनों पर स्वच्छता रैली निकालकर स्टेशनों एवं रेलवे परिसरों में सघन साफ सफाई की गई तथा स्वच्छता उपयोगिता तथा गंदगी से होने वाले नुकसान पर यात्री जनता में पंपलेट बांटे गए। आम जनमानस को स्वच्छता के प्रति सुप्रेरित होने एवं जागरूक रहने के लिए प्रचार प्रसार की दृष्टि से स्टेशनों पर ऑडियो वीडियो संदेशों के माध्यम से आमजन को जागरूक किया गया।